जय मसीह। जीसस थ्रू आउट द बाइबल सीरीज एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। यीशु मसीह बाइबल के सभी पुस्तकों में। तो आज हम अध्ययन करेंगे स्त्री का वंश। यीशु मसीह जो है स्त्री का वंश है। जीसस इज द सीड ऑफ द वुमन। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, उत्पत्ति अध्याय 3 का 15 यदि हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री का वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को टसेगा। ये है, हम थियोलॉजिकल वर्ड में हम कहते हैं प्रोटो इवेंगेलियन, पहला सुसमाचार। परमेश्वर ने आदन के वाटिका में ही वायदा किया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उधार पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान हराया जाएगा। ये परमेश्वर ने वो जो सर्प को जो श्राप दिया था उसके साथ साथ मानव जाति को वायदा किया था। यदि हम पढ़ते हैं गलातियों 4:4 में लिखा गया है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तब समय पूरा हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले जो वायदा किया था, उस वायदा को परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजने के द्वारा पूरा किया था। उसके बाद यदि हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2:14-15 में ऐसा लिखा गया है कि ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। परमेश्वर ने शैतान को क्रूस पर हराया और उसके बाद जितने लोग वो मृत्यु के डर से फंसे हुए थे उनको भी छुड़ाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह या स्त्री का वंश जो है इस पृथ्वी पर आया। कई बार प्रभु यीशु मसीह आया, हमें पापों से छुड़ाया और डर की आत्मा से हमें छुटकारा दी या मृत्यु के भय से हमें छुटकारा दी, फिर भी शैतान जो है हमारे मन में कभी कभी डालता है, अच्छा शैतान जो श्राप जो हमारे पिछले जीवन का है वो अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर सकता है करके वो कई बार इन झूठ को हमारे मन में डालता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया हम हर परिस्थिति में हम विजय पा सके। परमेश्वर ने हमें विजय, प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजयता दी और शैतान जो है हारा हुआ इंसान है। यदि हम रोमियो 16:20 में हम पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाव तले कुचलेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो क्रूस पर शैतान प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कुचला गया, वो हमारे पांव तले भी आ चुका है, क्योंकि हमें यह विश्वास करना जरूरी है ताकि हम विजय पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम विजयी हैं। अभी पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, शैतान को हमारे शरीर के ऊपर हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:10 में लिखा गया है कि जो शैतान का सर क्रूस पर कुचला गया था वो अनंत काल के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा उस समय में शैतान जो है अनंत काल के लिए, शैतान और उनके साथ के दूत जो है उसके साथ अनंत काल के लिए आग में डाला जाएंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो ये परमेश्वर का वायदा है हमारे जीवन में है। तो आज का दिन, उपवास का दूसरा दिन में हम अध्ययन कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर शैतान को हराया है, वो हरा हुआ इंसान, वो हरा हुआ एक व्यक्ति है, वो हमारे जीवन में कोई भी कार्य है परमेश्वर के जन के विरोध में उनके जीवन में वो कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।